किया है। देख रहे हैं न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक आनंद। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज जेल से बाहर आ गए। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामला में सहरसा मंडल में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। इस बात की जानकारी सहरसा जिले के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि जेल आईजी द्वारा सहरसा जिले सुप्रिंटेंडेंट को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें आनंद मोहन को रिहा करने का निर्देश दिया गया। आनंद मोहन पेरोल पर रिहा के लिए अर्जी दी थी। बताया था कि वे अपनी बेटी के एंगेजमेंट में शामिल होना चाहते हैं और बूढ़ी माँ को देखना चाहते हैं। इसके बाद उनकी अर्जी पर 15 दिनों के लिए पेरोल पर जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। पेरोल पर अगले 15 नवंबर तक वे जेल से बाहर रहेंगे। आनंद मोहन की रिहाई की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, वे खुशी से झूम उठे। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आवास लगाया जा रहा है कि 15 दिनों तक जेल से बाहर रहने पर राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब आनंद मोहन को 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आने की अनुमति मिली है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद फिलहाल आरजेडी में है। चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है। आनंद मोहन लंबे अरसे से जेल में बंद है और उनको रिहा करने की मांग समर्थकों की तरफ से लगातार उठती रहती है। आनंद मोहन की रिहाई ऐसे वक्त में हो रही है जब बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चले फिर बोलिए। चले फिर बोलिए। बोलिए बोलिए। चले फिर आप साइड हो जाइए। आप लोग साइड हो जाइए। फोर्स का मत बोलिए। Thank you.